ओम शांति। और बहुत ही दीदी को ये रहता था कि ये सीख जाए, ये अच्छी बन जाए, ये दीदी को भावना थी और मेरी भी भावना थी कि मैं दीदी के अंग संग रहूं, आगे पीछे रहूं। ऐसे करते करते दीदी के साथ हम काफी नजदीक आ गए थे और दीदी का प्यार भी मुझे बहुत मिलने लगा था, दीदी आगे बढ़ाने भी लगी थी। उसके बाद में जब बाबा अव्यक्त हुए, बड़ी दादी दीदी दोनों मिल करके चलाने लगी, तो मैंने देखा कि दीदी का केवल भाई बहनों से प्यार नहीं है, केवल मेरे से नहीं है, लेकिन दीदी दादी की ऐसी यूनिटी होती थी कि लोग कहते थे कि दो बदन दो आत्मा एक आत्मा, दो बदन है एक आत्मा है, दीदी और दादी की एक ही सोल है। दीदी ने कहा, दादी ने जी कहा और दादी ने कहा तो दीदी ने जी कहा। कभी भी दोनों के विचार में अंतर नहीं आया, जिसको कहने मतभेद हो, विचार भिन्न हो, विचारों में भिन्नता नहीं होती थी। जी दादी और दीदी कहे और दादी कहे जी दीदी, तो सब यही कहते थे कि शरीर दो है आत्मा एक है, क्योंकि जब दोनों एक थे तो ऐसा कोई हो नहीं सकता कि दो के बीच में तीसरा है। दीदी हमेशा कहती थी जब दो के बीच में तीसरा आता है तब कहावत है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जब दो होते हैं तो ठीक है, तीसरा फ्री होता है, इधर की बात उधर करेगा, इधर की उधर करेगा। इसलिए दीदी के साथ बहुत हमारा अच्छा अनुभव रहा, दीदी की बहुत सारी विशेषताएं थी।